आज मैं आपके साथ नारियल चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप डोसे, बड़े और इडली के साथ सर्व कर सकते हैं, या अपने मनपसंद डिश के साथ भी सर्व कर सकते हैं इन्हें। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें चटनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चटनी बनाने के लिए मैंने कच्चे एक नारियल लिए हैं, जिन्हें मैंने छिलका उतार कर छोटे छोटे टुकड़े में इन्हें काट लिए हैं। देखिए इस तरह से, और इस तरह से छिलका उतार लिए हैं इनका। हल्के हाथों से ऊपर से इसका काला पार्ट निकाल लेंगे। आप चाहे तो छिलका रख भी सकते हैं। तो मैंने सारे काट लिए हैं और मूँगफली लिए हैं, इन्हें रोस्ट करके छिलका उतार लिए हैं। और 4 चम्मच दही लिए हैं। दही आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक आधा छोटी चम्मच, हरी मिर्च जो थोड़ा सा लाल हो गया है वो 2 लिए हैं, अदरक थोड़ा सा काट लिए हैं, और तड़के के लिए लिए हैं राई 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 2, और 4-5 पीस करी पत्ता लिए हैं। 1 चम्मच तेल यूज करेंगे। तो चलिए चलिए सबसे पहले चटनी को पीस लेते हैं एक मिक्सी जार में रख कर। तो ये मूँगफली डाल लेते हैं, नारियल, नमक आधा छोटी चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, अदरक और मिर्च डाल लिए हैं। अब इनमें डाल लेते हैं दही। यदि आप चटनी में दही डालना नहीं चाहते हैं तो 1 छोटी चम्मच लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए चटनी को पीस लेते हैं और इनसे तड़का लगाएंगे। तो देखिए मैंने मिक्सी जार में रखकर चटनी पीस लिए हैं। देखिए बहुत ही स्मूथ चटनी बनी है, जैसे होनी चाहिए नारियल की चटनी वैसे ही है कंसिस्टेंसी इसकी। तो निकाल लेते हैं एक बाउल में। देखिए बहुत ही अच्छी चटनी है, इसी तरह की होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ, इन्हें तड़का लगाएंगे। तो गैस पर एक तड़का पैन रखकर अथवा कोई पैन रखकर इसमें तेल डाल लेते हैं 1 बड़े चम्मच। तो अब तेल को गर्म होने देते हैं। तो अब तेल गरम हो चुका है, अब इनमें डाल देते हैं लाल मिर्च और इन्हें थोड़ी देर पकने देते हैं। तो लाल मिर्च अब पक चुकी है, तो अब इनमें डालते हैं राई के दाने। तो राई के दाने चटक चुके हैं, अब इनमें डाल देते हैं 1 पिंच हींग। हींग ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो इनके बिना भी बना सकते हैं। करी पत्ता भी डाल लिए हैं। तो अब तड़का तैयार हो चुके हैं, इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल लिए हैं, इससे तड़का का कलर अच्छा आएगा। तो गैस ऑफ कर देते हैं और इनमें तड़का लगा लेते हैं। तो हाथ बचाकर डालिएगा इस तरह से। चटनी को इस तरह से तड़के को मिला लेंगे कांटे से अथवा चम्मच से। तो चलिए अब चलते हैं टेबल पर सर्व करने के लिए चटनी को। अब इस तरह से चटनी बनाइए, और इस चटनी को आप किसी भी मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। स्पेशली ये डोसा, इडली और बड़े के साथ सर्व किए जाते हैं, लेकिन किसी भी डिश के साथ आप सर्व करेंगे तो टेस्टी ही लगती है ये चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप ये चटनी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।